सुबह कुछ और बनाया था, कुछ और बनाया था। तो जीजू ने तीन अलग अलग वेबसाइट से ऑर्डर करा, दो से कैंसिल हो गया, एक से आ चुका है। कल 8:30 AM नीतू और लखन प्लेन उड़ाएंगे। देख अपने आप चल रही गाड़ी, बस मैप लोकेशन लगा दी है, इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं गाड़ी में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत ब्लॉग्स। आज हमारा डे टू इन US और लकीली हमें जेट लैग नहीं हुआ, क्योंकि हम कल सुबह कह रहा हूँ, कल हम शाम में 6 या 6:30 बजे तक सो गए थे और आज सुबह उठ रहे हम 5:30 बजे, तो अप्रॉक्स 11.5 घंटे की नींद। बीच में रात में मेरी आधे घंटे के लिए नींद खुली थी वैसे, लेकिन अब क्या है कि अब इतनी नींद हो गई कि अब यहाँ की साइकिल में हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, तो अब हमें दिन में नींद नहीं आएगी, तो जेट लैग वाला फील नहीं होगा। अब कुछ दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारी जो छोटी सी खिड़की है ना, इससे मैंने बाहर देखा, और एक बार आप बस ये व्यू देखो, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं यार, है ना, धीरे धीरे सा सनसेट हो रहा है, वो सनराइज़ हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग। मैंने कर दिया वेलकम। क्या प्लान है आज? आज का प्लान है न्यूयॉर्क जाने का। न्यूयॉर्क नहीं, आज अक्षरधाम जाएंगे हम। अक्षरधाम मंदिर जाएंगे सुबह सुबह, फिर न्यूयॉर्क जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है। मेरे को सबसे एंड में पता चलता है कि क्या होने वाला है। मुझे अक्षरधाम तक का पता था, बाकी का इन लोगों का प्लान बना होगा, मेरे को भी अब आपके साथ ही पता चल रहा है। बट एक चीज़ है, ये तारीफ करूंगा इसकी, मैं यूनिक्लो से मैं लेकर आया था, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना जेन्युइन फीडबैक आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये था अल्ट्रा वार्म करके कुछ था, और अब देखो -7 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि हाँ मतलब एक चीज़ सबसे बड़ा जरूरी है कि पूरा घर ये सेंट्रलाइज्ड AC है इसमें, तो अभी क्या है कि पूरे घर में ना वो हीटर चल रहा है, मतलब बाथरूम तक में, इसलिए ठंड फील भी नहीं हो रही। लेकिन फिर भी यार एक इसमें इसकी भी तारीफ करनी बनेगी। थोड़ा सा मैस है, अपना लैपटॉप लेके एडिटिंग पर बैठता हूँ मैं, आपको व्लॉग टाइम पर देने। लैपटॉप कहाँ है? इसमें रखा है लैपटॉप हमारा। ये देखो जैकेट नीतू ने कैसे रखी हुई है, तरीका देखो जी इसका। आप लैपटॉप है हमारा, ये रहा, यस। अब हमारा ये घर बन जाएगा ऑफिस। और जो भी लोग US में रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास इंस्टाग्राम पर, कमेंट्स आए बहुत सारे, आप लोग बताना कहाँ पर मिल सकते हैं हम लोग। हम सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क में ही आपसे मिले, बाद में भी आएंगे न्यूयॉर्क हम, और मुझे कुछ जगहें बताना जो हम घूम सकते हैं अच्छी सी, दीदी और जीजू के साथ, और दो बच्चे भी आपको पता है, तो कुछ अच्छी जगह सजेस्ट करना हमें। मेरा एडिटिंग का काम पूरा हो गया है, अब सुबह सुबह माता रानी नमस्ते, जीजू नमस्ते, हाय बिट्टू, आप जा नहीं रहे स्कूल, जा रहे हो अभी? शाय हो जाता है कैमरा देख के। जी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जीते रहो, नमस्कार, उम्र से बड़े हैं इसके। अनदर कोल्ड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं रात सो गया था। अरे पर बस दो यार, दीदी ने क्या करा ना, दीदी बेचारी दूध बना के और लेकर आई, वो हल्दी वाला दूध बना, हल्दी वाला पाउडर उसमें डाल के, इलायची सॉफ्ट सब डाल के, बट लखन मान सो गया। मैं सो गया यार, मेरे को नींद इतनी तेज आई थी, सोचो 12 घंटे सोया बहन में, नहीं 11:30, लेकिन अच्छे ना फ्रेश फील कर रहा हूं, फ्रेश हो गया। आज तो फिर हम धमाल मचाने वाले हैं, ठीक है, धमाल मचाएंगे। सुबह सुबह से फिर से ब्रेकफास्ट पे लगे, क्या क्या बनाया बहन ने? अभी मैंने कुछ ज्यादा नहीं बनाया, क्योंकि मना कर दिया ना, वो दूर है ना, चाय के साथ हम लोग पोहा और मसाले वाला दूध के साथ रस और ड्राई फ्रूट्स होगा, चलिए सब नहीं खाएंगे, राइट? यस ब्रो, यस, ओके ओके, चलो इतने सारे फ्रूट्स दीदी ने कल ही मंगा के रख रखे थे, बाकी चाय के साथ हम लोग। ब्रो मैं इतना भी नहीं खाता हूँ सुबह उठ के, ये कुछ मैंने अभी ब्रेकफास्ट वाला है ही नहीं, और ये क्या ब्रेकफास्ट से पहले वाला वो है, ब्रेकफास्ट से पहले भी प्री ब्रेकफास्ट होता है, आप लोग भी मेरे साथ पहली बार देख रहे हो चीजें। ये हमारी बहन का प्यार है जो उम्र उम्र के आ रहा है, नए नए नाम दे रहे हैं उसको, प्री ब्रेकफास्ट, पोस्ट ब्रेकफास्ट, इतना तो होना चाहिए, खिलाए जा रही है मेरे को। कुछ नहीं, कुछ खाओ तब तो खिलाओ मैं यार, डाइट तो है नहीं तुम लोगों की, ठीक है। आपको इनके वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा कि ये कैसे प्रिपेयर कर रही है, जब से हम आए हो कुछ ना कुछ काम पे लगे हुए हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देख के। मैं बोलूँ दीदी प्लीज आ जाओ थोड़ा एंजॉय करेंगे, बट दीदी को है कि हमारी ट्रिप मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छी रहे, और वो तब से मेहनत कर रही है, दीदी भी अलग, जीजू भी अलग, जीजू मेरे लिए नए नए कैमराज ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि आपको भी आज शायद दिख जाएगा डिलीवरी है उसकी, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ये कुकीज बहुत टेस्टी है, किस चीज़ के जीजू? ये वो बेलविटा करके कंपनी है, ब्लूबेरी कुकीज। गाइस देखो इस दूध में चीनी नहीं है, वैसे दीदी को मैंने बताया था चीनी मैंने पीना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं शक्कर ले रहा था, लेकिन दीदी ने वो भी नहीं डाला, लेकिन पता है इसमें कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि दीदी ने क्या क्या डाला है इसमें? मैंने इसमें डेट्स डाले हैं, इलायची पाउडर, हल्दी, ड्राई फ्रूट पाउडर, ऐसा लग रहा है सौंफ, जैसे वो होती है ना पंचामृत बनता है, है ना, ऐसी तो उसमें से वो आ रही है फ्रेग्रेंस, और इसका टेस्ट हल्का हल्का ठंडा ही जैसा भी है, तब उसका गाढ़ा बनाता है, ऊपर लेयर रह जाती है मलाई की, तब पीने में टेस्ट। भाई मेरे को ये टैलेंट सच में नहीं पता था मेरी बहन का, बट हैट्स ऑफ यार, धीरे धीरे पता चलेंगे दीदी के टैलेंट, दीदी में बहुत सारे टैलेंट है, एक नहीं है। वाओ, ये हमारी चाय बन रही है अमरीके वाली चाय, हमारी दीदी ने सुबह से दूसरी बार ब्रेकफास्ट बना दिया है अलग अलग,
सुबह कुछ और बनाया था, आप कुछ और बनाया था, जो फर्स्ट वाला था वो ब्रेकफास्ट में कंसीडर नहीं। वैसे मेरा उतना सही होता है ना नीतू, मेरा तो उतना ही होता है ब्रेकफास्ट सुबह सुबह, तभी देखा अच्छा से अच्छे से यार बिल्कुल सारी आ रही है ना सुधार के भेजेंगे हम। अच्छा ठीक है, मैं एक लेजर बनाऊंगा, मेंटेन करूंगा, डेली रिपोर्ट करूंगा। मैंने ब्रेक खा लिया ना, मेरे ज्यादा भूख नहीं है, ये तो बहुत कम है, तो मैं इसी में दूसरी प्लेट लगा दियो। बहन एक में से दोनों खा लेंगे, एक ही में से खा लेंगे। हां हां सही में, मैंने तो पोहा बोला भी नहीं, मैं तो खा लिया पहले ही। जीजू आपके साथ भी ऐसे होता है क्या? हाँ मेरे साथ भी ऐसे करती है। गाइस ये पोहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, चाय भी बहुत टेस्टी है, और देखो दीदी ने हमारे लिए फ़ैन भी मंगाए हुए हैं। अभी दो तीन दिन पहले मैं डिमांड कर रहा था फ़ैन की, अनफॉर्चुनेटली वहाँ तो नहीं मिले, सोचा ही था अमेरिका में आके फ़ैन खाऊंगा चाय के साथ, इतना ख्याल रखा दीदी ने एक चीज़ों का। वाओ सो गाइस मैं नहा ली हूँ, अब मैं बनाऊंगी राजमा चावल। दीदी ने मुझ पर बहुत उपकार किया है मुझे किचन देकर। हाँ बिल्कुल, आज हम खाएंगे नीतू के हाथ के राजमा। आप मतलब आपके हाथ में ना वैसे जादू है सच में, बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। हाँ मुझे सिखाना। अभी यार कुछ खाया ही खाया, लेकिन पोहा खाया कल, दाल मखनी खाई और शाही पनीर खाया। मुझे आप वो सिखाना पोहा बनाना, ठीक है? दाल मखनी भी सिखाना लेकिन पोहा बनाना सिखाना, लखन को बहुत पसंद है। आज के हमारे वस्त्र ये वाले होने वाले। आज मैंने जैकेट निकाली, अभी ये भी मैंने नई यूनिको से ले दी, ऐसी दो कलर में अलग अलग है मेरे पास, एक ये और एक ब्लू। देखो क्या है ना, यहाँ मैं टाइम से ना ले रहा हूँ, मेरे को डांट नहीं सुननी, पीछे ही मेरे हैं बहुत खतरनाक है मेरी बहन भाई, इनकी डांट से डर लगता है, और इसीलिए मैं टाइम से नहा भी लिया हूँ, रेडी भी हो गया हूँ। और हमारे घर पर एक गेस्ट आए हुए हैं, मेरी जो दीदी है उनकी जेठानी है वो, और वो हमारे ब्लॉग्स बहुत टाइम से फॉलो करती है, वो यहाँ पर आई है और वो मेरे लिए बर्गर बना के लाई है। मतलब कितना प्यार करते हैं लोग भाई, मुझे देख के ऐसा लगता है भगवान थैंक यू इस लाइफ के लिए, दोबारा मौका मिला दोबारा मैं यही वाली लाइफ चूज करूंगा यार, इतने प्यारे प्यारे लोग क्योंकि आसपास दिए भगवान ने। दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया दीदी, हमारे लिए देखो क्या बना के लाई है। ए कहाँ गया, खा गए क्या तेल दी, कहाँ है? ओहो हो भाई, ऐसी चीजें मत छुपाओ। ये देखो मेरे लिए बर्गर बना के लाई है, थैंक यू दीदी। केक भी लाए हो क्या? हाँ। अरे भगवान, जल्दी तो मैं कभी आ ही नहीं सकता। थैंक्स टू साक्षी कि मैं आप लोगों से मिली। सब नहीं ऐसे मत बोलो, थैंक्स। मैं भी दीदी को थैंक यू बोलूंगा कि इनकी वजह से मैं यूएस आ पाया भाई। हमारा मैं बताता हूँ, जब हमारा वीजा के लिए मैंने अप्लाई करा ना, दीदी डेली कॉल करके मॉक इंटरव्यू करती थी, मेरा बेटा तेरे से ये पूछा जा सकता है, तेरे से ऐसे पूछा जाएगा तो ऐसे जवाब दियो, मतलब इतना हेल्प किया। मुझसे अटेंशन इनको थी मेरा वीजा लगने की। आप भी कुछ खा लो बहन, ये ऐसे हो गई हमारी बंधुआ मजदूर टाइप की हो गई हमारी, बिना उसके बिना पे के सुबह से ऐसी लग रही है इधर से उधर। कुछ खाते पीते नहीं है लोग, इतना टेस्ट के लिए खाएंगे और इनका हो जाता है, डन हो जाता है। झूठ, सरासर झूठ। मैं कुछ बोलूं इनको, अगर ये मेरी बड़ी बहन नहीं होती ना, अगर नहीं होती तो भी कुछ नहीं कर सकता था। ये बात तो है, ये बहनों को किस चीज का घमंड होता है यार, मतलब पंगे ले लेती हैं ऐसे ही। ये घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस है। दो बहनों के बीच में आप फंस गए हो अभी अकेले। मैं तो तीन के बीच में फंसा हुआ हूँ वैसे, एक और है वो भी ऐसी बदमाशी दिखाती है मुझे, मैं तो इनकी बहनों की बदमाशी देखने के लिए जन्मा हूँ यहाँ पे बस। क्या दीदी अभी तक बर्तन यहाँ के यहाँ है? बैड मैनर्स, सीख रही हूँ। अच्छा मैं ये खाऊंगा अभी बस 5 मिनट बाद, मैं थोड़ी सी पूजा आराधना कर लेता हूँ। ओके हाँ उधर है। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, दीदी ने यहाँ भी आके सारे अपने कल्चर को फॉलो करती है, अपने रूट से जुड़ी हुई है। देखो मंदिर बनाया हुआ है और यहाँ पर डेली पूजा करती है मेरी बहना। और एक चीज़ पता है, जो दीदी के बच्चे हैं दक्ष को जाने से पहले यहाँ जय बुलवाती हैं, उसके बाद स्कूल जाता है वो, तो देख देख के छोटी छोटी चीज़ें, बड़ा अच्छा लगा मेरे को यार। क्या हुआ, कहा है तेरे राजमा जला तो नहीं दिया तूने? किसकी जलने की? राजमा की इतना अच्छी। अरे भाई मतलब मैं कह रहा हूँ नीतू इतना अच्छी कुकिंग करती, इतना अच्छा कुक करती है कि राजमा भी जलते हैं उससे। सब जलते हैं। केक कट करना है, ये 20 मिलियन वाला केक है क्या? इसका रूबी बटन जो होने वाला है, क्योंकि जब 50 मिलियन होगा, मे भी तुम लोग यहाँ हो ना हो, तो हम पहले से उसको। अरे मे भी नहीं, हम होंगे। जल्दी जल्दी जीजू, इतनी तो जनता नहीं है दुनिया में जितने मिलियन बोल रहे हैं। नहीं है, अभी हमारा टाइम है यार कपड़े धोने का, इसी में डाल लेना, इसमें डाल लेना। ओके ओके, किससे बात कर रही है तू? अपने बच्चों से। कहाँ है बच्चे, दिखा दे मेरे को भी। मेरे दोनों बच्चे मिस कर रहे, दिखाओ। बच्चे तो दिखी नहीं रहे मेरे को। मेरा बड़ा बच्चा ये रहा, दूसरा छोटा बच्चा कहाँ है मेरा? ओले तेरू,
सोने दे दोनों को. Both are missing me so much. तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पास में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से थोड़ा सा अपने को सामान लाना है वो लेने जा रहे हैं हम. और जीजू हमारे साथ है मैंने चश्मा लगा लिया क्योंकि यहाँ ना पॉल्यूशन बहुत कम है तो इस वजह से धूप है ना वो छनती नहीं है डायरेक्टली एकदम रॉ धूप पड़ती है आपकी आँखों में. कल मेरी आँखों में बहुत पेन होने लगा था. तो वैसे तो सर्दियों मतलब धूप हम लोग चाहते हैं कि हम धूप में रहें लेकिन ऐसी वाली धूप जब आँखों में पड़ती है तो थोड़ा दर्द होने लगता है तो इसलिए चश्मा लगा लिया मैंने. अच्छा लग रहा है नहीं बताना तारीफ कर दो मेरी प्लीज़. गाइस देखो कितनी सही चीज़ है ये वाला जो रोबो है ना ये पूरे घर की सफाई करता है भाई अकेला इधर से उधर उधर से इधर. ये देखो कितनी मस्त चीज़ है. और फिर ये क्या करता है सफाई करने के बाद ना फिर जो भी कचरा जमा हो जाता है उसको यहाँ पे लाता है और खुद को खुद ही चार्ज कर लेता है और सारा कचरा यहाँ पे रख देता है. और दूसरा क्या है इसने ना पूरा मैप बनाया हुआ घर का तो इसको क्या एक रूम का पता है जिस रूम में कोई नहीं था उस रूम में अपने आप जाएगा. मतलब ये AI की पावर आप देखो कितनी है अपने आप जाएगा उस रूम को पूरा क्लीन करके आ जाएगा झाड़ू पोछा दोनों लगा के और फिर आके चुपचाप यहाँ बैठ जाएगा. इतना ट्रैक करता है चीज़ों को तो एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है ये. वो खासतौर से उनके लिए जैसे प्रेगनेंट लेडीज़ हैं जो घर में रहती हैं अकेले कोई और हाउस हेल्प नहीं है तो आप सोचो कितना हेल्पफुल है ये चीज़ है ना. और कोई ज़्यादा भी नहीं मेरे ख्याल से ये शायद $900 का था इंडिया में अगर कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स कितना हो गया 72,000 के आसपास का. तो अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये मतलब वर्थ वाला इन्वेस्टमेंट है. बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है मैं बाहर तक गया फिर दो मिनट में अंदर भाग के आ गया क्योंकि मेरे को कैप पहनना दीदी. ये देखो ये लखन के लिए जैकेट दी दीदी ने क्योंकि ठंड बहुत है बाहर. ये नीतू के लिए ये बहुत ही गलत चीज है बहुत ही गलत. दोनों मियां बीवी कोर्ट बैठे बात कर रहे थे ना वो निकाल दो तो मेरे को ये तो पता चल गया कुछ लाए हैं लेकिन बताया नहीं दोनों बहुत छुपे रुस्तम में. थैंक यू सो मच मैं कुछ नहीं कह सकता सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ मेरी बहन को. थैंक यू बहना थैंक यू जी थैंक यू सो मच. कुछ भी नहीं यार कुछ भी नहीं. तो ये मैं भी पहन लूँ क्या? पहन रहे हाँ 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 पकड़ भाई पकड़ मैं पहन लेता हूँ. क्या बात है ग्लव्स ग्लव्स पहन के रेडी एकदम. दक्ष हाय कर दो एक बार. दक्ष हमारा स्कूल से आ गया और दक्ष देखो क्या लेकर आया. क्या है दक्ष वेलकम हो. दक्ष क्या लाया बता दो मम्मी को बता दो क्या लाया. कलर्स दिखा दो. कलर्स मैं ले लूं इनको ले लूं मैं इसके साथ ड्राइंग इसके साथ कितनी प्यार है. वो स्माइली करता है पूरे टाइम यार बहुत क्यूट है. जीजू थैंक यू फॉर द जैकेट. अरे यार और ये बहुत वार्म है. जीजू ने इसलिए मंगाई कि जीजू को पता है कि इंडिया वाली जैकेट यहाँ पे काम नहीं करेगी माइनस में टेम्परेचर है और अभी तो जिस जगह हम जाएंगे ना वहाँ तो और भी ज्यादा सर्दी है. भाई कानों पे ऐसा हो जाता है ना बस मैं क्या बताऊँ. मैं थोड़ी देर पहले ऐसे बन के घूम रहा था ऐसे जैसे कुख्यात डाकू होते ना डाकू. जी जी देखो मैं ऐसे घूम रहा था ऐसे पंकज त्रिपाठी लग रहा हूँ. ओह लेजेंड इंसान है वो तो. थैंक यू आपने मेरे को इस काबिल समझा कंपेयर भी करा. प्लेन जीजू मेरे को प्लेन उड़वाओ ना. हाँ कल 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 चल कल. मैं मजाक नहीं कर रहा सच्ची बोल रहा हूँ. कल डन 8:30 AM डन पक्का. हाँ. मैंने जीजू को बोला कि जीजू मेरे को प्लेन उड़ाओ कह रहे कल उड़वाएंगे. अच्छा सच्ची बोलो. लेट्स डू इट टुमारो या 8:30 AM. Let me make some phone calls and get it done. Plane, उड़ाना? Yes. बिठाना नहीं उड़ाना? उड़ाना. तुम दोनों उड़ाओगे. चलो. हम दोनों उड़ाएंगे. अब वो रिमोट कंट्रोल वाला तो नहीं ले आओगे? नहीं. असली प्लेन. क्या बात कर रहे हो जीजू? हाँ, चलो let's do it tomorrow. सच्ची? कल 8:30 AM नीतू और लखन प्लेन उड़ाएंगे. Seriously जीजू? 8:30 AM US Eastern Time. ओके देखते ठीक है. कल हमने क्या करा कल हमने जीजू ने इस पे लोकेशन डाल दी और गाड़ी अपने आप चली वहाँ पे. वाओ इसकी स्पीड देखो सबसे पहले तो आप अब देखना. तो हम लखनी व्लॉग्स देखते कौन सा व्लॉग लगा आज वाला. लेकिन जीजू इसमें ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा फिर जो कोई गाड़ी चलाएगा अगर वो ऐसे यूट्यूब देखते जा रहा है तो गाड़ी के साथ नहीं चला सकते. जीजू हमारी डॉलर में कमाई करवा रहे हैं यहाँ के एड्स देख के. हाँ आप लोग हमारे एड्स देखते हो स्किप करते हो? स्किप नहीं करता जीजू स्किप नहीं करते भी मत करा करो. थैंक यू जीजू. कई जिस तभी एक पंगा हो गया तो अपने शूट पर गई हुई थी तो मैं आ गया हूँ विला पर. नहीं तो इसने टैडी ने तो पूछी की नाक में दम कर रखा है. तो अब देखो अभी जीजू लोकेशन डाल रहे हैं जहाँ हम जाने वाले हैं. लोकेशन डाल दिया गाड़ी अपने आप ले. हमने यहाँ पे हम बेस्ट बाय जा रहे हैं. हाँ. कुछ सामान लेना है लखन के लिए. हुँ. तो हमने यहाँ पे इस पे ट्रिप पे डाल दिया है ऑलरेडी और अभी मैं क्या करूंगा मैंने इसको ऑटो ड्राइव मोड पे डाल दिया है. तो मैंने सिर्फ बैठेंगे हाथ हटा लिया है और मैंने रेस हटा ली है. ये देखो पैर भी हटा लिया वहां से और अब सेल्फ ड्राइव कर रही है अपने आप लेके जाएगी वहां तक. और अभी जैसे आगे से आप देखेंगे राइट टर्न आएगा तो राइट टर्न पे अपने आप मुड़ेगी. अभी देखना आप टर्न आने वाला है. इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं गाड़ी में. ये देखो राइट अपने आप मैंने हैंड भी नहीं लगाया. अब देखो आगे स्टॉप साइन आएगा ठीक है और उस पर भी मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा. ये देखो अभी स्टॉप साइन आपको यहाँ दिख रहा है इस रोड पे आने वाला है अभी. हाँ. अब आप देखते रहना बस अपने आप इंडिकेटर दिया मुड़ने के लिए. और अब देखो रुक भी गई गाड़ी
और ये देखेगी अभी, पहले इधर उधर देखेगी कि कोई आ तो नहीं रहा, आ तो नहीं रहा। अब देखो अपने आप ही मेन रोड पे गाड़ी देखा लेफ्ट में, और नीतू भी एक चीज और देख, अब यहाँ देखना यहाँ पे ना ये आगे दिखा दे कितनी गाड़ी आ रही है, वो ट्रक खड़ा है वो ट्रक और वो की गाड़ी आ रही है। हाँ। यहाँ पे बन गया मैप में कि कुछ आ रहा है आगे से, पड़े ना राइट में तो ये देख, अब देखो राइट आ रहा है, कितना शार्प राइट है, अभी राइट टर्न लेगा अपने आप, अब देखते रहना ये तो कितना शार्प राइट है, समझे। तो हम यहाँ पर आए कॉस्टो स्टोर में, और कॉस्टो स्टोर की खासियत जीजू बता रहे कॉस्टो, तो हम आ चुके हैं कॉस्टो में और एंट्री लेंगे हम जीजू के कार्ड के जरिए। ब्लू कलर है, मुझे लगा ब्लैक है। तुझे क्यों लगा ऐसा? अंदर ब्लैक दिख रहा है, अंधेरे में बैठ के तेरा क्या करूँ नहीं तू, मैं कार्ड लेनी है, चल वो ला रही है, वो ला रही है, इधर है ना, कहाँ है, हाँ मुझे दिख गया, मैं ला रहा हूँ जीजू। ये कार्ड भी काफी बड़ी है, मतलब ये एक तरीके से इनडायरेक्टली बोल रहे हैं हाँ, कि आप ज्यादा सामान लो यहाँ से, PS5 Xbox क्या नहीं है यहाँ पे, सारी चीजें रिकी के लिए, लेकिन रिकी ने तो Xbox ले रखा ऑलरेडी। ओ वाओ ड्रोन्स, 86 इंच का ये टीवी है, इसको कहाँ लगाएंगे हम, दीवार होती है इतनी बड़ी, तो हमारे घर पर जो लग रहा है वो ये वाला है ना 77 इंचेस का, ये वाले हीटेड ग्लव्स हैं और ये चार्ज होते हैं, फिर इनमें से वो हीटर चलता है, हाँ चार्ज होते हैं, काफी नई चीज है यार, सोचा नहीं था हीटेड ग्लव्स भी होंगे। यहाँ से कुछ हम दक्ष के लिए ले रहे हैं कुछ खाने पीने का, और आयरा के लिए, जीजू फुल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी ना ले, हम नई नई स्कीमें बता रहे हैं जीजू हमें, आपकी बात नहीं मानूंगी, ऑलरेडी सब सामान रखा हुआ है घर पे, कोई बात नहीं जीजू, हमें लगा तू खो गई है, क्या क्या लेके, आयरा के लिए तो ले ले, दक्ष के लिए क्या, दक्ष के लिए ये ले ले, नहीं बड़ा है वो इससे, तो जीजू जीजू हमें यहाँ लेकर आए और कह रहे इधर अंदर आके फील करो, क्योंकि पूरा रेफ्रिजरेटर में यहाँ ठंड फील होगी आपको, काफी सारी शॉपिंग हो गई है हमारी ना चाहते हुए भी, आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे, वहाँ पर है सामने जगह, तुमने ये क्या लिया है, ये वो है प्रोटीन शेक है, और रुक जा रुक जा रुक जा, अंदर की तरफ बाकी का सब सामान रख दे, अच्छा फोन भी लिया है, छोड़ मत दियो जीजू। यार सामने से एक चीज, स्काई कितना क्लियर सा लगता है ना, बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं, लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे एकदम ब्लूइश, हाँ हाँ दिख रहा है, मून भी दिख रहा है यहाँ से, ट्रॉली अपनी रख दी यहाँ पे, अब हम चलते हैं वापसी, वापसी नहीं अभी जीजू मेरे को लेकर जा रहे हैं, मेरे को SD कार्ड चाहिए, हाँ बेस्ट बाय चलते हैं अभी यहाँ से हम। जीजू ने लगाया मैप पटेल का, जहाँ पर सारी इंडियन चीजें मिलती है, सतमोला हाजमोला हिंगोली बहुत सारी, अब हम देखेंगे वहाँ पर क्या क्या मिलता है ना जीजू, ठीक है। मैं अब जाके समझ पाया हूँ कि पटेल जाने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि हम अभी आए हुए थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने, जैसे कि आपने देखा हमने दो मेमोरी कार्ड लिए, क्योंकि जीजू ने हमारे लिए दो कैमरे मंगाए हुए हैं जो कि घर जाके हमें मिल जाएगा, लेकिन कार्ड का हम श्योर नहीं है कि उसमें कार्ड आते हैं, इसलिए पहले से मंगा लिए। अब नीतू ने जो जिद पकड़ी कि जीजू मुझे पटेल लेकर चलो, मुझे नहीं पता पटेल जाने के लिए एक्साइटेड क्यों, अब पता चल रहा है वहाँ स्वाद वाली टॉफी मिलती है, वहाँ चटमोला सटमोला ये सारी चीज़ें मिलती है जो आप देखते हो नीतू खाते हुए अक्सर, चटले चटले तो मेरे ख्याल से पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो वहीं जाके पता चलेगा, बट यहाँ से 22 मिनट दूर है अभी, सिर्फ इसकी चटले वाली डिमांड पूरा करने के लिए जीजू हमें वहाँ लेके जा रहे हैं। तो गाइस इसका इतना हाइप है पटेल ब्रदर्स का, अब हम फाइनली यहाँ पर आए गए नीतू के लिए चटमोला दिलवाने के लिए। जीजू ने आज कितना ज्यादा ट्रैवल करा हमारे चक्कर में, इधर से उधर उधर से इधर, पर जीजू बहुत स्वीट है, कंप्लेन नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन हम जीजू को रिटेट ना करते थोड़े टाइम में। भाई इसलिए फेमस है पटेल, देखो घुसते ही हमें दिखा समोसे पनीर मसाला पफ पैटी वगैरह सब है यहाँ पे भाई, अब मुझे समझ में आया क्यों इतना इसका हाइप है, इंडियन प्रोडक्ट दिख रहे हैं हर तरफ, ऐसा लग रहा है इंडिया के किसी सुपरमार्केट में घूम रहे, सारे ब्रांड्स हैं भाई अपने यहाँ देख सकते हो आप, पार्ले जी तक है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी शॉपिंग खत्म हो गई है, ये सब लिया है हमने, इंडियन ब्रांड्स थे सारे, ओ किसी और की गाड़ी में तो नहीं गुजरी जीजू, तो हमारे वहीं रह गए, आ रहे हैं जीजू अभी। तो हम लोग वापस आ चुके हैं और मैं ये देख रहा हूँ इसमें किसी एक में वो होगा जरूर जो कैमरा मंगाया है, अभी तो बस हम खाना लेते हैं, आज नीतू ने राजमा बनाए थे, दीदी आपने खा लिया ना, आपने दीदी ने बहुत तारीफ की राजमा की, इतने मजेदार राजमा बने कि मेरे को लग रहा था लोग मेरे को छोड़ने नहीं है, सारे खत्म करने हैं। तो आप छोड़ा कुछ नहीं छोड़ा, थोड़ा सा छोड़ा है कि चलो तुम मुंह पे तरस आ गया, मैं तो एक करोड़ लेता हूं, तरस आ गया आपको मेरे पे, तरस आ गया था तुम लोगों पे, क्या आखिर बहन हो ना वो ममता जग जाएगी आपके अंदर से। दक्ष खाएगा बेटा, मैं डिनर इसमें खाया, खाया इसने तो भी मेरे साथ खाएगा, दोबारा से दोबारा खाना पापा के साथ, हाँ आ जाओ दक्ष, कल दीदी को लग रहा था कि नीतू की डाइट ज्यादा नहीं है, अब आज आप देखना, मैंने बोला तो फिर नीतू ने मेरा नहीं देखा खाना मैं कितना खाता हूं। अच्छा ऐसा भी है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं इधर बैठ के आराम से,
जीजू चले गए थे, हमने जीजू के बिना ही खाना खा लिया, सॉरी जीजू। तो गाइस जीजू ने कैमरा मेरे लिए मंगा दिया, ये है DJI का ऑस्मो पॉकेट 3 और ये व्लॉगर का एक ड्रीम कैमरा है जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, आई गेस सितंबर में इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक है, वैसे हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। जीजू ने 3 अलग अलग वेबसाइट से ऑर्डर करा, 2 से कैंसिल हो गया, 1 से आ चुका है। और ये कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था शुरू से, मैं जीजू से बार बार कॉल करके पूछता था जीजू आज आ गया क्या, आज आ गया। तो इतना अच्छा कैमरा है ये क्या है ना, बहुत ईजी टू यूज़ है, कोई भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है, मतलब हैवी नहीं है, वो सोनी वाली जो एक मिररलेस कैमरा वाली क्वालिटी होती है वैसी नहीं है, लेकिन आईफोन से बेटर है, फार बेटर। तो ये क्रिएटर कॉम्बो मैंने इसका मंगाया हुआ है और ऐसे 3 है मेरे पास अभी। तो गाइज मैंने इसका क्रिएटर कॉम्बो मंगाया है और दैट्स इट, ये पूरा कैमरा है, मतलब देखो मुट्ठी में आ चुका है और ये गिम्बल के साथ कैमरा है तो इसमें शेकीनेस भी नहीं आती बिल्कुल भी। 4K 120 FPS और इसमें हम लॉग में शूट कर सकते हैं कितनी सारी चीज़ें, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और इसमें वर्टिकल भी शूट कर सकते हैं हम, इंस्टा के लिए रील्स भी बना सकते हैं सब कुछ यार। तो गाइज ये मैं अभी शूट कर रहा हूँ जो मेरा नया कैमरा है DJI का, और आप लोग क्वालिटी देख के बताना कैसा लग रहा है इसमें, और इसमें गिम्बल भी अटैच है तो शेकीनेस बहुत कम लगेगी। एक बार नीतू से पूछ के आता हूँ, उसको तो हैंडी कैमरा मिल जाए तो वो व्लॉगिंग और ज़्यादा करे। यहाँ देखो लो लाइट में आ चुके हैं तो अभी आप लोग बता सकते हो लो लाइट में इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, नीतू सो चुकी है। जस्ट अ मिनट, तो ठंड लग रही है, व्हाट इज दैट, नया कैमरा, एक बार देख हाथ में होल्ड कर, व्हाट इज दैट, ये गिम्बल फिटेस कैमरा भाई, कैमरा है जो जीजू ने मंगाया अभी जो इंडिया में नहीं मिला, देख पकड़ के देख, ये तो मेरे लिए बना है। हाय गाइस वेलकम टू नीतू बेस्ट व्लॉग्स, सॉरी लखनीत व्लॉग्स, कैसा लग रहा है प्लीज मेरे को बताना एक बार, बहुत इसको अच्छा तो रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कहीं भी, क्या इसको रोटेट करना है, तो ये जॉयस्टिक है ना, अच्छा ये बोले स्टैंड करो जहाँ पर वो जाएगा आपको फॉलो करेगा, हाँ सब कुछ है। वाओ गाइस वाओ, ओ माय गॉड, इसकी स्क्रीन मेरा चेहरा इतना क्लीन नहीं है जितना इसमें दिख रहा है, तो ये फेक भी हो सकता है। तूने 2x किया, तूने ज़ूम कर दिया, नहीं तू, मैं ज़ूम करके देख रही हूँ खुद को कि मैं कैसी लग रही हूँ अभी, ऐसा है वो लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा है यार, मुझे इसका लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा लगा। अब चलो बाहर चलते हैं क्योंकि अपने को जाना है आज अक्षरधाम मंदिर, आज मंदिर नहीं जा रहे बेटा, नहीं जा रहे, कैंसिल हो गया, हाँ। ओ अच्छा, हमारा मंदिर डिले हो रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया, हाँ अंधेरा तो हो गया, ये बात तो है, ठंड बहुत ज्यादा है यार यहाँ पे, ये बात तो माननी पड़ेगी, भाभी और भैया सॉरी जीजू और दीदी बेचारे, मतलब मैं सोच रही हूँ यार कि बच्चे के बाद कितनी लाइफ चेंज हो जाती है। हमारी दीदी ने भी अभी अपना ये वाला कैमरा ऑन कर लिया है और दीदी को काफी क्रिएटर फ्रेंडली लगा यार, हाँ मुझे काफी फ्रेंडली लगा, अदरवाइज मेरे को लगा था मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कर लोगी दीदी कर लोगी, इजी है और बाकी लखन है, लखन गाइड करता रहेगा, तो मैं सीखी मैं तो पीछे छोड़ूंगा नहीं जब तक आपको, टीचर इतना अच्छा है, मोटिवेट नहीं करूंगा, लखन टीचर बहुत अच्छे है वाकई में, थैंक यू मेरी तारीफ सुनो, नहीं वाकई में तारीफ मैं ऐसे ही नहीं कर रही, वाओ देख रहे हो जीजू और दीदी दोनों मेरी तारीफ कर रहे हैं यार, तारीफ उसी की करी जाती है तारीफ के काबिल हो, क्या बात है सर, थैंक यू, खास से मेरे से तारीफ ले लो, शूज ले लो, आप सच में काबिल हो, मैं नहीं करती, ओह वाओ, हां अच्छा, मैं इतना इजीली तारीफ नहीं करती हूं, तो मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा इस चीज को, लेना भी नहीं चाहिए, थैंक यू। सो गाइस अब सोने का टाइम हो गया और जीजू से हमारा आज का वादा था जो कि जीजू बाबू दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, सुबह जीजू ने बहुत बड़ी आफत मोल ले लिया, मुझे बोला है कि मुझे सुबह प्लेन उड़वाना है, और सच्ची में जीजू आपने प्रॉमिस करा मेरे को, प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस, तो इट्स डन नाउ, तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि लखन और नीतू कैसे प्लेन उड़ा रहे हैं, प्लेन उड़ाओगे, मैं मेरे को अब तक यकीन नहीं हो रहा सच बता रहा हूँ, वो तो आप सुबह ही देखोगे, तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, ब्लॉग को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और कुछ बातें करें आज करते हैं, ओके बाय, आई लव यू ऑल।